हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम सीतापुर में आ गए हैं, रुद्रपुर में, और आपको पीछे दिखेगा होगा पहाड़ एकदम। अभी हमें बस वहीं पर जाना है और थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं और हम यहाँ से सोनपरियार जाएंगे। तो सोनपरियार के लिए जाने के लिए ना हमने डंडे भी ले लिए हैं। एक डंडा आपको ना 50 से 40 रुपए का मिल जाएगा, तो हमने 10 डंडे ले लिए जो आगे ना हमें चलाने में काम आएंगे। तो यहाँ से हमारी शुरू होती है केदारनाथ की पैदल यात्रा। लेट्स गो। तो गाइस, अब हम केदारनाथ यात्रा के लिए निकल चुके हैं और अभी हम सोनपरियार में जा रहे हैं। पीछे बिल्कुल झरनों की आवाज आ रही है और व्यू भी इतना अच्छा दिख रहा है। अब आप जब जाएंगे रास्ते में तो आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएगी और यहाँ पे आपको स्वेटर, टोपा, रेनकोट, जो मेन जरूरी चीजें है ना, जैकेट हो गए, डंडे हो गए, ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको और आगे जाके मिल गया 50 की मिलेगी, 50 के डंडे मिल रहे हैं और टोपी मिल रही है और फोन कवर भी मिल रहा है, सॉक्स मिल रही है, टी शर्ट मिल रही है और पैकेट मिल रहा है, बैग भी मिल रहा है। शॉप्स मिल जाएगी और अभी हमने ना फोन कवर परचेज करे हैं, 30 रुपीज का पर कर है। सिक्स भैया आपका नाम क्या? अशोक कुमार भैया का नाम है। आप भी आज इनसे परचेज कर सकते हैं और चलते हैं हर हर महादेव। थैंक यू। तो गाइज, अभी यहाँ पे ना लाइन लग चुकी है टैक्सी के लिए और पर टैक्सी का 50 रुपीज होगा। आगे चलकर ना आपको ऐसे टॉयलेट की फैसिलिटीज मिल जाएगी। ये है सोनपरियार की लास्ट पार्किंग, फिर इसके बाद आपको ना आगे पार्किंग में मिलेगी, यहाँ से आपको वॉकिंग ही है। और ये तो सोनपरियार के इधर ही आपको ना क्लॉक रूम मिल जाएंगे। क्लॉक रूम में ना आप अपने सामान है तो आप रख सकते हो, 24 घंटे के लिए होता है। और अगर आपका छोटा बैग है तो 50 रुपये लगता है और अगर बड़ा बैग है तो आपका 100 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ना आप अपना जो कैंप है वो सब बुक कर सकते हैं और जो खच्चर है वो बुक कर सकते हैं। बेसिकली वेरिफिकेशन की लाइन है, वेरिफिकेशन हो रहा है, सबके बारकोड करके स्कैन हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे ना मौसम है ना बदलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ठंड सी हो रही थी और अब इतनी तेज धूप आ रही है और गर्मी लग रही है अब थोड़ी। तो यहाँ पे जो मौसम है वो बदलता रहता है। सेटल कर दो इसमें 50 रुपीज पर सवारी चार लगता है। तो हमें गौरीकुंड पर उतार रही थी, गौरीकुंड से कोई शटल नहीं है, सीधा पैदल यात्रा या फिर घोड़ा या हेलीकॉप्टर ये सब लेकर जाने वाले। भैया आपका नाम? मैं नाम पंकज। पंकज भैया का नाम पंकज और यहाँ हमें गौरीकुंड तक लेके जाएंगे। यहाँ शुरू हो गया केदारनाथ पैदल रास्ता। तो ये है डोमेट्री हॉल जहाँ पे आपको पराठा 50 रुपए मिलेगा एक। अचार है ना बहुत ज्यादा खट्टा है, हमने मेयोनेज से चटनी लिया और उसके साथ ना पराठा बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर पार्कल के करने तो यहाँ से कर सकते हैं। घोड़ा काउंटर, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है यात्रा करते वक्त। तो गाइस, ये गौरीकुंड है और यहाँ पे ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ पे भी नहा सकते हो। कर रखी है यहाँ पे, इस साइड है बॉयज का और जहाँ पे ये पूरा कवर हो रखा है वो गर्ल्स का है, तो आप यहाँ पे आके नहा सकते हो। और बेटर होगा आप होटल में आकर नहाओ और यहाँ पे आके बस मुंह वॉश कर। तो अभी हम थोड़ी दूर पहुँच चुके हैं। तो गाइस, अभी हम जंगल चट्टी तक पहुँच चुके हैं और जो खच्चर और घोड़े हैं ना हम बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि रास्ता ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा, और ऊपर से खड़ी चढ़ाई और ऊपर से जगह जगह इन्होंने गोबर कर रखा है तो बिल्कुल फिसलन फिसलन हो रही है और जहाँ मर्जी आके कभी ऊपर से नीचे आके नीचे पर आके धक्का दे रहे हैं। गाइस, जब आप थके ना हम काफ़ी ऊपर आ गए और जब आप थके तो आप बस ना थोड़ी देर पानी पिए और बस चले, मतलब थोड़ी देर पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करे चले, ज़्यादा देर बैठोगे तो उतनी ज़्यादा थकान होगी और आगे चलकर अगर ऑक्सीजन की कमी होती है आपको तो कपूर सूंगे। ये मेन टिप्स हैं जो आप केदारनाथ में फॉलो करें तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे और ज़्यादा कुछ खाए नहीं। तो ये रहा भैरव बाबा चीर बोसा का मंदिर, यहाँ से चलते ऊपर, यहाँ पे आपको भोजन व्यवस्था और पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी।
अभी ना शॉर्टकट वाले रास्ते से आई, दो बार शॉर्टकट पड़ा था, पर ना जो मतलब फिजिकली फिट है ना वही शॉर्टकट से आई, क्योंकि ना गिर विर भी सकते हैं और पैर बहुत जाम हो जाएंगे। तो ऐसे तो आप कोशिश करें कि शॉर्टकट से ना ही है, और अब थोड़ी सी दूर है, मैं आपको दिखाती हूँ। केदारनाथ बाबा के पास होंगे, और पीछे ऐसा लग रहा है ना, फोटो में तो भी तो पोस्टर लग रहा है। ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी बारिश हो रही है, तो हमें रेनकोट पहनना है, और ठंड इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मतलब अपने कपड़े पहनने के बाद ठंड लग रही है, ठिठुर रही है सब, और रास्ता भी बहुत ज्यादा फिसलन हो गया, और ठंड बहुत ज्यादा आ रही है, और सारी जगह बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा छा गया। तो वही बहुत ठंड हो रही है, और हमने रेनकोट पहन लिया क्योंकि बारिश हो रही है, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है।